हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन सेवा में। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि पेटीएम का एटीएम एप्लीकेशन से आप केवाईसी कैसे कर सकते हैं, और जिनका केवाईसी भी बंद, जिस एजेंट का अभी केवाईसी बंद है वो उसको कैसे, मतलब कौन से मैसेज मिलने पे आप केवाईसी फिर से रीओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ये शुरू से लास्ट तक देखें, और हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ऑनलाइन सेवा को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। तो आपको सबसे पहले मैं मैसेज पहले चलता हूँ, क्योंकि मेरा भी केवाईसी बंद कर दिया गया था फिलहाल 2 दिन से, 2 दिन में मतलब चालू किया है। और कब का मैसेज है और चालू होने पर किस तरह का मैसेज आता है और आपको क्या करना है, जो कि आप फिर से रीओपन मतलब केवाईसी कर सकते हैं। तो मैसेज पे जैसे ही मैं आपको मैसेज पहले चलता हूँ, और मैसेज पे जाने के बाद नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक मैसेज है, देखिए डियर पार्टनर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें जो भी है केवाईसी का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि, और जैसे ही इस तरह का आपको मैसेज मिल जाए और यहाँ पे आपको लास्ट में लिखा हुआ दिखाई देगा कि पेटीएम बैंक एजेंट है यूजिंग द फ्लोइंग लिंक एंड स्टार्ट डूइंग केवाईसी, मतलब आपको परमिशन दे दिया गया है आप इस एप्लीकेशन को इस लिंक पे क्लिक करके फिर से मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये लिंक आपको अगर मिल गया होगा या मिल जाएगा तो आप इसे 24 घंटे के बाद ही मतलब डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट होने में 24 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पेटीएम पेमेंट बैंक प्लस कस्टमर एंड अर्न अप टू आर 40, मतलब एक हर कस्टमर को मतलब केवाईसी करते हैं तो आपको 40 रुपया दिया जाएगा। और जो इसका टर्म एंड कंडीशन था वो थोड़ा सेम ही है, अभी तक इसका जो है टर्म एंड कंडीशन बदला गया नहीं है, क्योंकि पेटीएम का एटीएम ऐप से जो भी मतलब इसे यूज कर रहा है केवाईसी कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आपके इस मतलब एप्लीकेशन के अंदर आते हो, यहाँ पे आपको केवाईसी सेविंग अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का उन्होंने मतलब दिखाई देगा ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, जिस मोबाइल नंबर पे आपको केवाईसी करनी है, और जैसे ही आप मोबाइल नंबर देते हो आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। और प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी है और आगे की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है केवाईसी करने के लिए, तो मैं आपको मतलब नेक्स्ट ऑप्शन नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि नंबर डालने से ही नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जल्द ही मैं केवाईसी, एक न्यू केवाईसी कस्टमर आएगा तो उसका वीडियो मैं बना के डालूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है। और फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें। और पेटीएम के एटीएम ऐप का न्यू वर्जन डाउनलोड लिंक नीचे दिया हुआ है, वो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक हमारे चैनल आपने ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो ज्वाइनिंग भी कर लें, और हमारा ग्रुप भी मैं ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो ज्वाइनिंग कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके बाय।